मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके जिले के मौसम की लेटेस्ट जानकारी के लिए कमेंट में बताएं आपके जिले का नाम। इसे वापस बदलेगा मौसम का मिजाज। यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर भारत में गरज के साथ बेमौसम बारिश का अलर्ट। आईएमडी मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली ने यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर सहित उत्तरी भारत के 5 राज्यों में घने कोहरे के साथ कई स्थानों पर हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। सक्रिय होने वाले नए वेदर सिस्टम के कारण उत्तरी भारत के मौसम में आएगा तेजी से बदलाव। वहीं मध्य प्रदेश और यूपी में आज कंप कंपाने वाली ठंड के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। आज एमपी के ग्वालियर, दतिया, सतना और छतरपुर जिलों में शीतलहर के साथ कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान है। इसके अलावा चंबल संभाग के जिलों में शिवपुरी, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना में भी ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जनवरी माह में ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है और इसके बाद कोई महत्वपूर्ण बदलाव उत्तर भारत के मौसम में देखने को नहीं मिलेगा। पश्चिमी मध्य भूमध्य रेखीय हिंद सागर और उससे सटे दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर ताजा पूर्वी कम दबाव क्षेत्र के कारण दक्षिणी तमिलनाडु, दक्षिणी केरल और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि आने वाले 2 से 3 दिन में दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना बताई गई है। देश के कई राज्यों में आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग से मिल रही ताजा जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित मध्य भारत के हिस्सों में तापमान में गिरावट होने और शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। इसकी वजह से दिन के वक्त लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है।